जेके न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज, श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए बिहार से श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए। बताते चलें कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 5 श्रद्धालु जो हैं वह बिहार से कटरा पहुंचे थे। वहां बाल गंगा पर उनका रैपिड टेस्ट किया गया। रैपिड टेस्ट करने के बाद 2 श्रद्धालु जो है वह पॉजिटिव पाए गए और उनके साथ अन्य आए हुए 3 श्रद्धालु को जो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, तो वह श्रद्धालु 2 श्रद्धालु को पॉजिटिव पाए गए थे, उन्हें आइसोलेशन के लिए रखा गया है और 3 श्रद्धालुओं को भवन में क्वारंटाइन के लिए रखा गया है। वहीं वैष्णो देवी के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार रैपिड टेस्ट होते जा रहे हैं और रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। रैपिड टेस्ट जो है 1 घंटे में रिपोर्ट दे देता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वह जारी है। सभी श्रद्धालुओं को रैपिड टेस्ट करवा कर ही माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाना होगा। जी हाँ, सभी को सहयोग करना होगा। सबसे पहले जिस तरह से 2000 श्रद्धालुओं को अनुमति मिली है कि J&K के 1900 और बाहर के 100 लोग जो है माता के दर्शन कर सकते हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए कि रैपिड टेस्ट जरूर कराएं ताकि माँ वैष्णो के दर्शन के लिए आप आए हैं, आप सच्चे मन से पहले अपना टेस्ट करवाएं। आप अगर नेगेटिव पाए जाते हैं तो माँ के दर्शन के लिए जाएं, ताकि जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो कहीं इसकी लपेट में ना आएं। राकेश शर्मा, JK न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।